साल 2013-2014 के रेल बजट में हरियाणा को सौगाते ही सौगाते मिली है। देश में सिर्फ 3 जगहों पर रेल फैक्ट्री बनाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। रेल मंत्री ने सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाने की मांग को मंजूरी देकर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही 3 नई रेलवे लाइनों को भी मंजूरी मिल गई है। इनमें दिल्ली मेवात अलवर रेलवे लाइन, हिसार अग्रोहा सिरसा रेलवे लाइन और यमुनानगर नारायणगढ़ चंडीगढ़ रेलवे लाइन शामिल है। I propose to take up following new projects in 2013-14. New line Budhiopur Raigarh Mand Colliery, Rewari Rohtak new line extension up to Makroli, electrification Delhi Sarai Rohila Rewari Palanpur Ahmedabad including Kalol Gandhinagar Khodiyar and Alwar Bandikui Jaipura Phulera Jakhal Hisar Jakhal Dhuri Ludhiana राजपुरा धूरी लहरा मोहब्बत गडक बड़ी हिसार सरसा वाया अग्रोहा एंड फतेहबाद यमुनानगर चंडीगढ़ वाया सधौरा नारायणगढ़। इसके अलावा जिन नई ट्रेनों के सर्वे को मंजूर किया गया है उनमें नरवाना उकलाना रेलवे लाइन, हिसार फतेहाबाद रेलवे लाइन और दादरी झांडली वाया झज्जर रेलवे लाइन शामिल। इसके साथ ही रेल मंत्री ने 2 रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को भी मंजूरी दे दी है और साथ ही रेवाड़ी रोहतक न्यू लाइन का विस्तार मकरौली तक करने की घोषणा भी रेल मंत्री ने की है। रेल मंत्री के तोहफों के पिटारे में कई और रेलवे लाइनें शामिल हैं, जिनसे हरियाणा वासियों को रेल सेवा का फायदा मिल सकेगा। इनमें सबसे अहम है दिल्ली कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन, जो कैथल के रास्ते होकर गुजरेगी। इसके अलावा भी रेल बजट के जो अहम बिंदु रहे वो इस प्रकार है। इस बार बजट में रेल किरायों में यात्रियों को राहत देते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि तत्काल और सुपरफास्ट ट्रेनों पर सरचार्ज लगाया गया है, जिससे अब सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर महंगा पड़ेगा। इसके अलावा 67 नई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है, साथ ही 27 नई पैसेंजर ट्रेनों का ऐलान भी रेल मंत्री ने किया। रेलवे ने इस बार 125,000 नई नौकरियों देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा ई बुकिंग की बात करें तो 23 घंटे इंटरनेट बुकिंग की सुविधा अब दी जा सकेगी। रात 12:30 से 11:30 बजे तक ई बुकिंग की जा सकेगी और साथ ही सफर के दौरान वाईफाई की सुविधा देने की भी घोषणा रेल मंत्री ने बजट में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, हरियाणा।